सहारनपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हकीकत नगर की रहने वाली बबीता पत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए बबीता ने बताया है कि 14 अक्टूबर 2020 को मेरे पति की हत्या की गई। उनके कातिल केला देवी व उप निरीक्षक नीरज हैं, जिस संबंध में हमने थाना सदर बाजार सहारनपुर में एक मुकदमा अंक संख्या 517/2020 अंक धारा 304/342/452/504/506 IPC में दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को दर्ज किया गया था, जिसमें जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश के यहां से केला देवी व नीरज SI की अग्रिम जमानत निरस्त होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इसी मामले को लेकर हम आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं कि वह हमें न्याय दिलाएं। और उपाध्याय जिला महामंत्री उपाध्याय समाज सहारनपुर, क्या मामला है? ये मामला है हमारे प्रिय साथी थे उपाध्याय समाज के जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय, समाज सेवी थे, हर आदमी की दिक्कत परेशानी में खड़े हो जाते थे 24 घंटे। इनकी ये धर्म पत्नी है बबीता जी, इनके साथ अब तक 2 महीने हो गए हैं। DIG साहब के यहाँ 3 बार गए, SSP साहब के यहाँ 4 बार गए, SPCT के यहाँ 5 बार गए, CO के यहाँ 6 बार गए और इंस्पेक्टर से तो हम मिले ही सदर पंकज पंजी से, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पुलिस की वजह SI जो दरोगा है वो पुलिस प्रशासन में है, निलंबित है इस समय और पुलिस लाइन में ही घूमता फिरता है। पुलिस कोई उसे पकड़ा धकड़ी नहीं कर रही उसके, अगर एक हफ्ते के अंदर पुलिस इसकी गिरफ्तारी नहीं करती तो भारतीय उपाध्याय समाज सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ प्रशासन को, अगर ही नहीं होगी। थाना सदर बाजार है, चौकी आपकी वह है, इधर शेखपुरा। मैं अनिल उपाध्याय की धर्मपत्नी हूँ, हिम्मत नगर में मेरा निवास स्थान है। मेरे पति अनिल उपाध्याय की 14 नवंबर को हत्या कर दी गई नीरज कुमार इंस्पेक्टर द्वारा। उसने इस तरह से टॉर्चर किया कि उनकी हत्या हो गई और दिल का दौरा पड़ गया। अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और वह नीरज इंस्पेक्टर पकड़ा भी नहीं गया। मुझे मैं यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ पर मुझे इंसाफ नहीं मिला। अगर मैं 30 तारीख को धरना पर बैठ गई तो इसका जिम्मेदार केवल पुलिस प्रशासन होगा, और धरना के उपरांत अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होगा। मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ, अपने पति अनिल उपाध्याय की मृत्यु का इंसाफ चाहिए। 2 दिन के अंदर वो पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार जेल की सलाखों में होना चाहिए। SPP साहब ने क्या आश्वासन? SP साहब ने आश्वासन दिया कि वो 8 दिन के अंदर पुलिस की गिरफ्त में होगा।